तरफ चुनावी हवा चल रही थी। बागबड़े से दिखाएंगे आपको कि आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद याकूब जी। जनता ने ईवीएम तक जिनका साथ निभाया है, क्या वो जनता का विश्वास लेकर के चेयरमैन बन गए हैं? आखिर जनता को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करने वाला चेयरमैन मिलने वाला है इस बार या नहीं मिलने वाला? किसे इस बार याकूब जी ने मात देकर जीत हासिल कर ली है, आइए जानते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आम आदमी पार्टी क्यों चुनी थी आपने? आम आदमी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और मैं नगर पंचायत पागबड़े से आपका बेटा, आपका खिदमतगार। सबसे पहले मैं पागबड़े की आवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे वोट दे करके, सपोर्ट दे करके, दुआएं दे करके कामयाब बनाया। और रहा सवाल आपका कि आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी है मैडम, हमने इसलिए चुनी क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की है और हम भी एक आम इंसान हैं। हमने घास भी खोदी है, हमने मजदूरी भी की है और हमने बिजनेस भी किया है और आप आवाम की खिदमत करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाकर के काम करती है, लोगों के दुख दर्द को समझती है और आम आदमी निरंतर बढ़ोतरी की तरफ जा रही है, तरक्की कर रही है। तो कितने वोटों से जीत हासिल की आपने? मैंने जो जीत हासिल की है वो है 478 वोटों से। किसे टक्कर दी इस बार आपने? जो मौजूदा चेयरमैन, पहले वो ग्राम मौजूदा प्रधान भी रहे, उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उसके बाद अब जो ये चुनाव हुआ है इसमें पहले उनकी माता जी थी हेमवती जी, अब उनके बेटे रिंकू जी थे। किस पार्टी से? वो बीजेपी पार्टी से थे। तो बीजेपी को हरा करके आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। जनता ने आपका साथ ईवीएम तक निभाया, बनाकर रखा, आपके साथ रही, आप कितना साथ जनता का देने वाले? किसी पद पर नहीं था तब भी मैंने जनता के बीच में जा करके काम किया, लोगों को, दिलों को जीतने का काम किया और इस पागड़े की आवाम का खिदमत करने का काम किया, उनके समस्याओं का समाधान करने का काम किया। जैसे कि आप शायद जानते होंगे, मैंने अपने यहाँ पागबड़ा फ्री जनसभा केंद्र खोल करके लोगों की पैन कार्ड, आधार कार्ड, कनेक्शन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण इत्यादि जितनी भी आईडी होती हैं उनकी आईडी बना करके उनके घर तक पहुँचवाने का काम किया। इससे जनता के बीच में मेरे और एक उनके बीच में एक विश्वास बना, जो विश्वास हमारी गुल्लकों तक आया और गुल्लकों में आकर के ये साबित कर दिया कि पागबड़े के अंदर जो अब तक जातिवाद, बिरादरीवाद की चुनाव होता था, राजनीति हुआ करती थी, उसको मात दे करके एक भाईचारे का करके वोट डाला है। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, उन्होंने अपने बच्चों को अपने साथ में ले जा करके गोद में रख करके वोट डाला है। उनके दुख दर्द को मैं समझता हूँ, उनकी परेशानी को मैं समझता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उनकी सेवा के लिए निरंतर 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा, ये मेरा वादा है। साथ पाकर के क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनका अपना हूँ, वो मेरे अपने हैं और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप पागबड़े की सफाई को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाएगा, पूरी तरीके से जो कमी रह गई है उनको दुरुस्त किया जाएगा और इसके अलावा जो हमारे रोडों में गड्ढे हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। पानी जल भराव की बहुत बड़ी समस्या हमारे उस पागबड़े के अंदर है, उसका भी जो है निस्तारण किया जाएगा। लगभग कितनी जनसंख्या है पागबड़े? लगभग जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 70 से 80 हज़ार है, लेकिन वोट जो है हमारे लगभग 36,000 वोट हैं जिसमें जिसमें हमारे 23,500 वोट पड़े। 23,500 लोगों ने मतदान किया और उसके अंदर मुझे नंबर एक पे रख करके ये बता दिया कि एक आम आदमी इस पागबड़े का चेयरमैन बन सकता है और खिदमत कर सकता है। साथ पाने के बाद आम आदमी पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया, वहीं दूसरी तरफ जनता ने भी उन पर भरोसा जता करके चेयरमैनी का ताज उनका सर पर रख दिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नदीम अंसारी के साथ फरहाना खान की ये रिपोर्ट।